सीतामढ़ी पुलिस द्वारा एक युवक को दुपहिया चोरी के मामले में मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। आरोपी महानगर पालिका में मजदूरी के तौर पर काम कर रहा था, जहां ठेकेदार ने वेतन न देने के कारण इस चोरी की नौबत आई, ऐसे अपराधी ने बयान में बताया है। दरअसल कुछ दिनों पहले धंतोली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत बाइक चोरी का मामला उजागर हुआ था, साथ ही साथ सीताबर्डी क्षेत्र में भी बाइक चोरी की गई थी। धंतोली पुलिस द्वारा सीसीटीवी चेक किए जाने के बाद आरोपी का पता चला। गौरतलब है कि हनुमान वाटिका निवासी संजय शिवहरे ने मई 2022 को सीताबर्डी पुलिस थाना अंतर्गत शिकायत दर्ज की थी, जिसके संज्ञान पर खोजबीन जारी थी। उसी के बीच समान मामला धंतोली क्षेत्र अंतर्गत आगे आया, जहां सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। संजय शिवहरे राहणार हनुमान वाटिका मेन रोड सीताबर्डी नागपूर यांच्या तक्रारीवरून आपण मे 2022 मध्ये अपराध क्रमांक 182/22 कलम 379 बादवी प्रमाणे पोलीस ठाणे सीताबर्डी येथे हिरो होंडा स्प्लेंडर दुचाकी गाडी चोरी केल्याबाबत गुन्हा दाखल केलेला होता। नमूद गुन्ह्याच्या तपासामध्ये आपण काही तांत्रिक पुरावे जमा केलेले होते आणि तशाच प्रकारची चोरी यावर्षी धंतोली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीमध्ये करताना एक इसम मिळून आला, त्या संदर्भातही आम्ही तांत्रिक पुरावे जमा केलेले आणि दोन्ही घटनेंचा जेव्हा आम्ही सखोल अभ्यास केला त्यावेळेस असं लक्षात आलं की दोन्ही चोरी करणारा इसम हा एकच इसम आहे। त्या आधारावरून आम्ही राहणार नक्का टोला पोस्ट जेवणारा तालुका बरगाड जिल्हा शिवनी मध्य प्रदेश येथील आरोपी नामे धर्मेंद्र नंदकिशोर ठाकूर यास त्याच्या राहते घरी मध्य प्रदेश येथून ताब्यात घेतलं आणि त्याच्या ताब्यातून एकूण अंदाजे 35,000 किमतीची हिरो होंडा स्प्लेंडर आणि होंडा हिरो बजाज पल्सर कंपनीची एक दुचाकी गाडी अशा एकूण 2 दुचाकी गाडी आम्ही ताब्यात घेतल्या आणि जप्त केलेल्या आहेत। सध्या आरोपी अटक, जहां पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी महानगर पालिका में मजदूर के तौर पर काम कर रहा था, जहां ठेकेदार ने वेतन न देने के कारण इस चोरी की नौबत आई। अपराधी के पास से 2 बाइक बरामद की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी जानकारी दी है पुलिस उपनिरीक्षक कैलाश मगर ने। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे, BCN न्यूज नागपुर।